बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाई अल्लाह के फजल करम से हर हर एक के साथ होंगे। और आज का जो वीडियो टॉपिक है ना, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार किस्म की वीडियो है। आप लोगों को पहले मैं बता देती हूँ, प्लीज़ स्किप नहीं करना है वीडियो के साथ ही। आप लोगों ने रहना है चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो किसी की रिएक्शन वालों के डर से टांगे थर थर कांप रही थी, बार बार रिएक्शन वालों का नाम ही लिया जा रहा था और अपनी इज्जत का जनाजा बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से निकला है। हम लोगों को पता था आप लोगों के दर्शन करवाने से पहले आपकी सपूती की पिक हमारे पास आ चुकी थी। मैंने थंबे जो दूसरी पिक लगाई है वो भी इनकी प्यारी और चहती बहू की है, जो बहू आजकल इनके बेटे को कमा के खिलाएगी, क्योंकि इन मर्दों में तो कोई इतनी कोई है ही नहीं है, काबिलियत ही नहीं है बेचारे दो वक्त की रोज़ी रोटी कर सकें। ये इसी वजह से ऐसी औरतों से शादी करते हैं जो औरतें थोड़ा बहुत बोलना जानती हों, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हों, ताकि इनके घर का चूल्हा जल सके। तो इसी तरह तस्लीम आंटी बहुत ही मजलूम, बहुत ही सीधी सादी बेचारी बनती रही हैं। पहले तो उन्होंने ये फरमान जारी किया था कि मेरी बहू कैमरे के सामने नहीं आएगी, मैं अपनी बहू को कैमरे के सामने लेकर ही नहीं आऊँगी, ना ही मेरी बड़ी बेटी आती है और ना ही किरण आएगी। तो आप लोगों को पता है कि किरण मैडम की पहले जो शक्ल थी, शक्ल पे बात करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो किरण की पहले शक्ल थी वो भी लगी हुई है पिक पे, आप देख सकते हैं उसकी पिक थंबनेल पे। और अब जो किरण है वो भी थोड़ी बहुत ड्रिप्स वगैरह लगा के उसको थोड़ा बहुत इन्होंने किया है कि अपने हिसाब से, जिस तरह कोई हीरोइन पहली बार कोई सीन करती है ना वीडियो या कोई ड्रामे में होती है ना, तो थोड़ी बहुत उसको मेंटेन उसको किया जाता है, उसको अदब अदाय वगैरह सिखाए जाते हैं, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है। इस तरह किरण को भी ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि इन लोगों के कारोबार यही है, ये लोग यही काम करते हैं। तो जहरी बात है, आगे किरण ने भाग दौड़ संभालनी थी घर की, कब तक माँ बेचारी शहजाद को पालती, क्योंकि शहजाद में तो कोई इतनी काबिलियत ही नहीं है कि शहजाद कोई जॉब कर सके, लोगों से मांग तंग कर आधी आधी रात को उठ के लोगों को रो रो कर दिखा दिखा कर तस्लीम आंटी ने ये कार ली, घर बनाया, बेटे की शादी की और कितना सारा लोग देते। अब किरण को इन्होंने दिखा दिया है कि मेरी बहू के हुसन के जलवे देख कर ना लोग इसको बहुत ही ज़्यादा देंगे, इमदाद करेंगे। तो इतना भी ज़्यादा नहीं इन्होंने किया जिस तरह से किरण को आप लोग लेकर आए वीडियो के सामने, लेकिन उसका फेस रिवील आप लोगों ने किया, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा आप लोगों ने नहीं उसकी दिखाई। जिस तरह बेचारे किसी जानवर को हम अपने घर में लेकर आते हैं ना, जिस तरह उसको हांकते हैं वो उधर चला जाता है, बिल्कुल ऐसे ही इस औरत को भी लेकर आए। इसी वजह से इसकी शादी करवाई शहजाद के साथ, कि जिस तरह की वो माँ तेज तरार है, इस तरह उसकी छोटी बेटी तेज तरार है और ये किरण मैडम उससे भी दो गुना आगे। अब तस्लीम आंटी का ये फरमान है कि उन्होंने ये फरमान जारी किया है कि कोई गुना की बात नहीं है, मेरी बहू की आ गई है यूट्यूब में तो कोई गुनाह की बात नहीं है, हमारी अपनी बहू है, हम जो मर्जी काम करवाएं। तो बिल्कुल ठीक है, आपकी अपनी बहू है, आप इसको नचाएं, आप इसे जो मर्जी करवाएं वो आपकी मर्जी, हम लोगों ने तो जो बात करनी है वो बात तो हम करेंगे, क्योंकि हम लोग हैं इस्लामी माशरे में और पाकिस्तानी हम लोग जो औरतें मुसलमान हैं वो पर्दे में अच्छी लगती हैं। आपने अपनी इस बहू का एकदम से उसके सर से चादर उतार के फेंक दी, उस जिसके निकाह में वो आई है, जो इज्जत का मुहाफिज बन के आया है, उसी ने उसको बेपर्दा कर दिया। क्या बात है तस्लीम आंटी की, फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, मैं उमरा करके आऊँगी तो फिर मैंने आना नहीं है। हम वैसे भी ये तस्लीम आंटी का फरमान है कि हमारी लड़कियाँ बहुत ही शौक से यूट्यूब पर आती हैं, इसके बाद वो जब यूट्यूब पे आती हैं थोड़ी फेमस हो जाती हैं तो उनको अपने शोर अच्छे नहीं लगते, फिर तो कोई घर से भाग जाती है, कोई नाराज़ होके आ जाती है, कोई फिर अपने शोर से तलाक लेने के लिए खुला का केस दायर कर देती है। तो आगे आगे देखिए कि इनके घर में भी क्या होगा। हम तो दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनको शर्मो हया दे, इनके बेटे और बहू को, और इस तरह की बेगैरतियाँ नहीं लोगों को दिखाएं, लेकिन इन जैसे लोगों ने हमारे पंजाब का नाम ही बदनाम कर दिया है। वाह तस्लीम आंटी, आपने बात की,
रिएक्शन वालों से डरने से पहले अपने अल्लाह पाक से तो डरे ना। हम भी आपकी तरह गुनहगार से इंसान हैं, जो हम बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं आपको रिसर्च के लिए, लेकिन हम जिसने हम लोगों को भी आप लोगों को भी पैदा किया वो रब तला की ज़ात है, क्या आप उससे नहीं डरते? क्या आप अल्लाह के फ़राइज पूरे करते हैं, हकूक पूरे करते हैं? रिएक्शन वालों के लिए तो आपने बोला है कि चलो जी बात करेंगे तो क्या होगा, हम और फेमस हो जाएंगे। आप लोग तबाही की तरफ बढ़ रहे हो, आप लोग फेमस क्या हो गए, आप लोग तबाही के गड़े में गिरने वाले हो। आप लोगों की नित ने जो यूट्यूब पे आप लोगों दिखा रहे हो, जो आप लोग अपने माशरे को प्रमोट कर रहे हो ना, इंशाल्लाह तबाही आप लोगों का मुकद्दर है। हम लोगों से डरना आप लोग नहीं चाहिए, हम तो बात करेंगे। जब तक आप लोग इस तरह के करतूत करते रहे हमारे तो मुंह बंद नहीं होंगे, हम तो बात करेंगे। लेकिन उस जो रब ने पैदा किया है, जिसका दिया हुआ खाते हो, उसको कभी याद कर लिया करो। कभी नहीं देखा आप लोगों को नमाज पढ़ते हुए, कभी आप लोगों को कोई अच्छी बात कहते हुए नहीं देखा, कभी आप लोगों को कोई अल्लाह रसूल की हदीस सुनाते हुए नहीं देखा। तो आप लोग यही बेगैरतियाँ करोगे जो आप लोगों ने वर्षे में ली है। बेटी की तो तस्लीम अंटी अपनी बेटी पे तो कोई फोकस तरबियत पे कर नहीं रहे। छोटी सी किरण है और किरण ने मेकअप इस तरह किया होता है जैसे शादीशुदा औरतें हो, हर चीज़ में वो घुसी रहती है, हर बात वो उसका जवाब देना वो अपना फ़र्ज समझती है। तो ज़रा अपनी बेटी पे भी फोकस करें ना, क्या आप भी अपनी बेटी को इसी वजह से इस तरह गाइड कर रही हैं? क्योंकि आने वाले वक्त में फिर आपकी बेटी आपकी दी हुई विरासत की गद्दी पर बैठेगी, वही गद्दी नशीन होगी। जिस तरह से आप बातें कर रही थी तस्लीम आंटी, आपका चेहरा इन बातों का साथ नहीं दे रहा था। अब तस्लीम आंटी का यही मिशन है कि लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की बात करूं। तो बेटा ये भी कह रहा था कि अम्मी की अभी रिटायरमेंट में कुछ टाइम बाकी है, तो इसके बाद जो पैसे मिलेंगे अम्मी उम्रा करेंगी। मतलब कि कोई ओवरसीज देख रहा है, कोई औरत देख रही है, उसके दिल में तरस आ जाए। जिस तरह गाड़ी के पैसे बीक में मिले, इसी तरह उम्रा के पैसे भी कोई दे दे और हम पूरी फैमिली उम्रा कर रहे। क्योंकि ये लोग ओवरसीज पाकिस्तानियों के टुकड़ों पे पलने वाले हैं, उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं, तो इन लोगों पे शर्मो हया बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जितनी बातें कर लें इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इनके दिलों में मुकम्मल तौर पर मोहर लगा दी है। और जो अल्लाह पाक मोहर लगा देते हैं फिर वो बंदा कभी भी मैं जो नेकी की तरफ नहीं आता है, बुराई की तरफ ही बंदा जाता है। रिएक्शन वालों के बार बार कहने वालों, अल्लाह की ज़ात को तो देख लो, जिसने आप लोगों को हम लोगों को पैदा किया है। अल्लाह पाक का ये हुक्म है कि औरतें पर्दे में रहें, लेकिन ये कैसे भी गैरत मर्द हैं जो अपनी बीवियों को अपनी इज्जतों को खुद ही पे पर्दा करते हैं, अपनी औरतों को हुस्न दिखा कर मर्दों के वो पैसे देते हैं। यूट्यूब पे कोई इस तरह बेपर्दगी फैलाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। जो आप लोग कर रहे हो वो अच्छी बातें, आप लोगों की सारी दुनिया आप लोगों को देखती है। कोई आपकी औरतों को आई लव यू कहता है, कोई मेरी जान कहता है, कोई क्या कहता है, तो जो उनकी शोर होती है वो बड़े शौक से कमेंट पढ़ के उनको दिखाते हैं। देखो फलां बंदा तुम्हारे हुसन से घायल हो गया, फलां बंदे ने ये कर दिया। तो तस्लीम आंटी आप फिर अपनी बेटी को भी ले लें, कभी आपकी बेटी भी आ जाएगी, हम वह भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो अल्लाह माफ़ी करे इन जैसी औरतों से, इनके करतूतों से, कि मेरी बहू है वो पहले ही मुझे मेरा बेटा कहता है तुम हो मेरी किरण, तो आप ऐसा करें एक तबला ले दे वो अपने बेटे को, वो बजाएगा और आगे आपकी बहू नाचेगी उस गाने में, तो फिर आपके ना क्या बुरा हो गया, ये तो मेरी बहू है, ये तो शहजाद की बीवी है, शहजाद खुद इसको नचा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये हैं प्यारे बहन भाइयों इन लोगों के करतूत, जो हर रोज़ लोगों को दिखाते हैं, जो बेहयाई को प्रमोट दिल खोल कर करते हैं। नेकी के कामों की तरफ इनको मौत पड़ती है, बुराई के कामों की तरफ इनके जिस्म में और ज़्यादा ताकत आ जाती है। अब ऐसा करें कि आप अपनी अम्मी का फेस भी दिखा दें, अपनी अम्मी को भी ले आए वीडियो के सामने। उन बूढ़ी औरत को कब तक आप लोग छुपाओगे? शर्म नाम की तो आप लोगों की चीज़ ही नहीं है कि हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों को वो आ जाएगी। शर्म तो आप लोगों ने कब की उठा के उस खाले के पानी में बहा दी, जो पानी वो उसको लेकर इतनी दूर चला चुका है, अब उसकी तो लाश मिलना भी, इसकी मैयत मिलना भी आपके शर्म की मुश्किल है। तो इस तरह की बातें आप लोग रिएक्शन वालों के लिए करते हैं, तो पहले खुद अपने आप को देख लिया करो कि हम लोग क्या है, हम लोग ऐसा क्या काम करें कि रिएक्शन वाले हमारे ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। तो यूट्यूब की आपके बाप की नहीं है कि जो बंदा आप सिर्फ काम करेंगे हम लोग नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।